बिलवाड़ा में एक तरफ जहाँ राज बनास और कोठारी नदी दूषित पानी से ग्रसित हो चुकी है केवल बिलवाड़ा से पाँच किलोमीटर दूरी पर यह ग्वारी बांध स्थित है जो पेयजल का बहुत बड़ा स्रोत है यहाँ के कम से कम 25-30 गाँव को कृषि भूमि के लिए खेती के लिए यहाँ से अच्छा पानी मिलता है शुद्ध पानी मिलता है वहीं औद्योगिक इकाइयों द्वारा गलत तरीके से जो अभी फैक्ट्रियों के अंदर पानी बाहर नहीं निकालने की एक मुहिम चलाई थी सरकार ने तो इन्होंने बाहर नहीं निकाल कर जो सलज बचता है वो यहाँ पे पानी गलत तरीके से दोहन किया जा रहा है यहाँ पे गलत तरीके से दोहन करके गुआंडी बांध में डाला जा रहा है जिससे पानी अः अशुद्ध तो हो ही रहा है साथ ही साथ पर्यावरण के लिए भी बहुत बड़ा ये खतरा है और काला पानी यहाँ पे जो टैंकर भर के डाले जा रहे हैं औद्योगिक इकाइयों द्वारा उनका टी कम से कम सात या आठ हजार का पानी यहाँ डाला जा रहा है इस पानी के अंदर कोई भी जानवर होके निकल जाए तो वो मर जाएगा ऐसी स्थिति में इस आने वाले समय में एक तरफ तो राजस्थान सरकार ग्वारी बांध को डेवलपमेंट करने की बात कर रही है यहाँ पर ढाई करोड़ रुपए भी पर्यटन स्तर के लिए भी दिए हैं और दूसरी ओर औद्योगिक इकाइयों द्वारा इस ग्वारी बांध को दूषित किया जा रहा है मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार यहाँ आके विजिट करें और यहाँ पे जो ग्वाड़ी बांध के पेटाकास्ट के जो पीछे वाली जमीन है वहाँ पे इस तरह का बहुत गलत तरीके से दोहन किया जा रहा है पानी का गलत तरीके से यहाँ पे पानी डाला जा रहा है जिनकी आने वाले समय में ग्वारी बांध का पानी खराब हो जाएगा उसके बाद में भिलवाड़ा जिले के लिए इतना जल इतना बड़ा जल स्रोत नहीं है कभी भी जब अभी तो भिलवाड़ा जिले के अंदर चंबल का पानी आ ही रहा है पर भविष्य में कभी ऐसा हुआ गलत चंबल का पानी आना बंद हुआ तो एक बार पहले भी ऐसा हुआ था जब पूरे बिलवाड़ा जिले को गुआरटी बांध ने पानी पिलाया था अब उस गुआरटी बांध के अंदर इस तरह दूषित पानी छोड़ा जा रहा है फैक्ट्री कई द्वारा